viewers, hope you are doing absolutely fine. Celebrity पेटो के लिए अक्सर एक स्वतंत्र विकल्प रहा है कि वे जो भी बनना चाहते हैं उनके लिए एक तरफा सड़क। सड़क के शुरुआत में केवल एक जोड़ी जूते जो आम तौर पर उनके पिता के होते हैं, बहुत से लोग इसे आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करते हैं और अपने पिता की पटरियों को उठाते हैं। डीप मिल्खा सिंह के जैसे अन्य अपने तरीकों से जाने जाते हैं और कोशिश करते हैं और अपने माता पिता की क्षमताओं से मेल खाते हैं। डीप के पास मैच करने के लिए दो लोग हैं, महान मिल्खा सिंह और उनकी मां निर्मल कौर, जो भारत की वॉलीबॉल टीम की पूर्व कप्तान थी। निस्संदेह सबसे सफल गोल्फर जिसे भारत ने कभी बनाया है, डीप मिल्खा सिंह का नाम 13 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय कैरेट जीत दर्ज है। डीप ने करियर के उच्च विश्व रैंकिंग 28 हासिल की जो 2009 में आई थी, जो अब तक किसी भारतीय गोल्फर द्वारा सबसे अधिक है। बड़े होकर जीव हमेशा खेलों से जुड़े थे। उन्होंने चंडीगढ़ में सेंट जॉन हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई की है। चंडीगढ़ में ही जीव पले बड़े हैं। जीव अपने माता पिता के साथ नियमित रूप से गोल्फ कोर्ट जाते थे और छोटी सी उम्र में ही उन्होंने इस खेल को सीख लिया था। और अगर बात की जाए जीव मिल्खा सिंह के प्रॉपर्टी की, तो आप लोगों को बता दें कि जीव मिल्खा सिंह के पास 1 मिलियन के आसपास की प्रॉपर्टी है और इनके पास बहुत सारी लग्जरी कार्स एंड बाइक्स हैं। तो गाइस यही थी आज की वीडियो, जिसमें कि हमने आपको जीव मिल्खा सिंह के बारे में बताया, जो कि मिल्खा सिंह के बेटे हैं। तो गाइस साइनिंग ऑफ। इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इसके साथ ही आप लोग कमेंट करके जरूर लिखिएगा RIP मिल्खा सिंह।